कितना देना है कि तुमको 25 में, कहने के तोल लीजिए। तो जब तोला गया तो किसी का 25 मन ज्यादा ज्यादा एक दाना नहीं, 60 मन, किसी का 40 मन, किसी का 100 मन, सबका जितना जितना लिख लिया था सबका। चोर बोला, अरे महाराज ये मेरे कांटे लगे, मैं रात को कांटों में जंगल में गया तो बबूल के कांटे, बेरियों के कांटे, खून निकला, ये पैर फट गए, और मैं उसके खेत में से काट करके ले आया, उधर से जो काटी मटर काटी अरहर गेहूँ काटा वो किधर चला गया। अरे कह लगे बच्चा ये मेरे पैर में भी ये कांटे लग गए, ये देखिए लगे हुए कांटे। कह लगे आप क्या करते रहे? कह लगे तू काट कर के ले आता था वहाँ जमा करता था, और मैं यहाँ से जब चला जाता था घर में तो गट्ठा उठा करके उसने खेत में पहुँचाया करता था, मुझे देना उतना ही है जितना तेरे हिसाब में, और तूने जो ये चोरी की है ये कांटे तेरे लगे और तकलीफ हो रही है तो तेरी सजा और चोरी की सजा अलग मिलेगी। वो जो तुमने चोरी की है उसकी सजा अलग, और ये कांटे लगे खून निकला इसकी सजा। तो कहने का मतलब ये है तुम मन का धन कितना भी खेत काटकर जमीन लेकर ये करके चोरी करके डकैती डालकर रात को छीन करके कितना भी अपना धन घर में ले आओ, लेकिन वो जो हिसाब करता जो कर रहा वो बैठा हुआ वो सब उसके पहुंचा देगा। आपको कुछ मालूम रहेगा आपको उसमें। हमने चोरों से पूछा भाई कितना तुमने चोरी की होगी, हमारे पास चोर भी आते साफ कह देते हमने चोरी की, तो कितना कह लगे एक पैसा नहीं रहा सब चला गया। डकैत आए डकैत पूछा भाई तुमने डकैती डाली तो कितना जीवन में तुमने लूटा होगा, कह लगे कई करोड़ का, किधर गया? कह लगे एक पता नहीं हमारा घर का चला गया, घर का गया। तो कहने का मतलब कि हिसाब करता बिल्कुल सच्चा है, जो पाप का भी हिसाब करता पुण्य का भी करता है ये सब, और उसका ब्याज वो सब आपको देना, वो दूसरे को किसी को नहीं देना। इसलिए ये मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता, आपकी बार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस जीवात्मा को इस जड़ से इस शरीर से निकालने के लिए आपको ये दिया गया, और उसने कह दिया है कि मैंने तुमको साफ सुथरा मकान दिया है, जैसा आपने दिया वैसे तुमको दे देना। फिर जब वो खड़ा हो जाएगा और तुमने गंदगी भरी तो फिर तुमको मार मार करके इतना मारेगा कि तुम्हारी नस नस को तोड़ देगा, और इतनी पीड़ा होगी कि जलमत मरण दूसरे तो कोई, जमने मरने में अत्यंत पीड़ा होती है, और उसको निकाल के बाहर करेगा और कहेगा चलो हिसाब कराए। हिसाब करेगा तो तुम्हारा बताएगा देखो इतनी चोरी की, इतने जानवर मारे तुमने, इतना धोखा दिया, इतने बेईमानी की, तुमने कोई भी पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, और चलो इनको ले जाओ उस नर्क में डालो, वहाँ जा करके उस जीवनी में बंद करो इसको। तो बताओ आप क्या करोगे? बोलो आप करोगे क्या? उससे बच जाओगे? इसलिए जिन जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनसे ये प्रार्थना करो कि हमको ये सद्बुद्धि दो कि हम, मतलब ये है कि कोई धोखा किसी को बेईमानी ना करे, धोखा ना दे, और अच्छे काम करे, सद्बुद्धि रहेगी तो अच्छा काम करो, आप मेहनत का काम करो, बच्चों की सेवा आएगा एक सत्कार, और फिर उसके बाद भजन करो कि भजन करने की हमको सद्बुद्धि दीजिए कि कोई महात्मा मिल जाए या आप ही मुझको रास्ता बता दीजिए तो मैं भजन करने लगूँ, तो महात्मा कोई ना कोई मिल जाएंगे वो रास्ता बता देंगे मनुष्य मंदिर में। तुम फिर भजन सच्चा करना अपनी जीवात्मा से परमात्मा का, तब देखो दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, और यही से बैठ करके रोज स्वर्ग जाओ, रोज रोज वैकुंठ जाओ, और वहाँ ब्रह्मा से मिलो और विष्णु से मिलो और शिव से मिलो। लेकिन आप बाहर से इन चर बाकों से आपको क्या पता, इधर से गए उधर धोखा देने लगे, उधर किसी का खेत लूटने लगे, किसी को मारपीट करने लगे, तो फिर देवता की पूजा क्या हुई? ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा आपको, अमोला आपकी दे दिया गया, इसलिए इसको बचाओ। अभी तक जो कुछ भी किया है गुनाह अब उनको तो छोड़ दो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, जीवात्मा को जन्म मरण से बचाओ 84 से नरकों से, नहीं तो ये जाने वाली है, और मनुष्य शरीर ये खाली होने वाला, ये तो किराए का मकान है। हे बच्चे बच्चियों ये किराए का मकान है, वो ये नहीं देखा गया 2 बरस का है, 4 बरस का है, 10 का है, वो 20 साल का है, 50 का, 100 की पूंजी आपको दी जाती है, जिसकी पूंजी खत्म हुई
और फिर खड़ा हो जाएगा, निकलो उसी वक्त निकाल के तुमको खेत में रहोगे, खेत में बाहर रिश्तेदारी में आ रहे रस्ते में वहीं पर उसी जगह पर सो रहे हो, उसी जगह खा रहे हो, पूंजी खत्म हो गई उस जगह निकाल बाहर करें। बताओ फिर आप क्या ले आए थे, अजय क्या ले जाओगे बताओ। ये किराए का मकान हमारा भी है, हमको भी ये खाली कर दो, क्या हम ले जाएंगे, हमारा ये भी नहीं जाएगा, इसके साथ कुछ और जाएगा, एक सुई की नोक नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगा वो सामान तो वो पड़ा, ये पड़ा, इसको उठा करके उधर जंगल में फूंक देंगे, उधर ले जा करके, और ना ये सामान मिलेगा और ना ये उससे मिलेगा, ना ये उसको देख सकता है ना सामान इसको देख सकता है, ये भी जड़ है और सामान भी जड़ है। तो फिर चेतन में आप बेचारे चेतन को आपने क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। इस चेतन की पूजा तब होगी जब चेतन को जगा लो, जीवात्मा को जगाओ और दरवाजे पर दोनों आंखों के मध्य में जाग जाए, उसकी गंदगी दूर हो जाए, तब परमात्मा की पूजा करो, तब मिले। सुलभ है, सीधा है, आसान, सब कर सकते हैं, स्त्री बच्चे पुरुष, खेत में खलिहान में घर में सुबह और शाम, तुम एक घंटा समय नहीं निकाल सकते हो 24 घंटे में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और वह इसी में समय सो करके और खा पी करके बिता रहे हैं। ये धिक्कार है ऐसे जीवन को। तो देवी देवताओं से जिनको आप मानते चले आओ उसे प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि दीजिए कि हम भौतिक चीज़ें समझ सकें, और फिर अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए कोई ऐसा रास्ता हमको दिखा दीजिए, सुझाव हमको दे दीजिए, तो हम वहाँ पहुँच जाए, वहाँ रास्ता पा करके रास्ते से निकल जाए, तब ये जीवात्मा की गति यानी होगी छुटकारा, तब इसको छुटकारा होगा, तब मुक्ति और मोक्ष मिलेगी, नहीं तो परमात्मा क्या कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, न देवी देवताओं के पास पहुँच सकते हो, न स्वर्ग वैकुंठ में, न मंसूरी पा सकते हो। तो ये भटकती रहेगी जीवात्मा, जैसे पशु पक्षियों में वो भी तो जीवात्मा यही है, इसी मनुष्य शरीर से उसमें बंद की गई, ये कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, गधा हो गए, चूहा हो गए, ये इसी में से गए, अब उसमें भोगने के बाद फिर इसमें आएंगे तो फिर वही काम करो, फिर उसी में जाओ, तो बस यही रहेगा, रहेगा आना और जाना, रो चिल्लाओ और कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं। अरे कोई सुनता है आदमी को जब